आप मैंने छोड़ के चले जाओगे ना, फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अरे पागल, मैं अपने भाई को अकेला छोड़ के क्यों जाऊंगी? मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरा भाई हमारे साथ होगा। देखो, अगर सोनिया तुम्हारे साथ चौहानपुर घूमने जाना चाहती है ना, तो तुम्हारे साथ ही जाएगी, तुम ही इसे लेकर जाओगे। इट्स इन ऑर्डर नाउ, इनफ। हवेली में छोरियों का पढ़ना लिखना मना है, पता है ना? पता है भाई साहब। अरे जब सब पता है, क्यों किया है सब? क्यों किया? बोल मारे को, बोल मारे को। और सबसे पहले छोरी है ना, उसका नाम कटवा देना स्कूल में से। भाई साहब, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं गुड़िया की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। भाई बंद कर अपनी जबान। अरे बादशाह से जबान लड़ाएगी तू, तेरे मुंह में अंगार भर दूंगा, समझे? और कर भी कह सकते हैं आप कि मार काट गोली बंदूक यही सब सीखा है आपने, इसके अलावा आपको चाहता भी नहीं है। अरे आपको तो ये भी नहीं पता आपकी हरकतों का आपकी बेटी पर क्या असर पड़ेगा, क्या सोचेगी वो आपके बारे में? पता नहीं किस जानवर से शादी कर ली मैंने। जानवर क्या कर लेगी मेरा, बोल। नहीं रहना ना थारे को जानवर के साथ, चलेगा भाई। बोल नहीं। अरे भारे को बात करने दे, थारा भाई साहब भी जिंदा है, यो मत भूल, ईंदड़ी है सवेली की। शाम सुन, अपना पानी हमारे सर के ऊपर से जा रहा, दिमाग खराब हो रहा हमारा, फैसला थारे को अभी और इसी वक्त लेना है। दो रास्ते हैं थारे पास, या तो गुड़िया की पढ़ाई छुड़वा दे, या इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जा। हमारा फैसला हमारे को अभी चाहिए, अब भी के अब भी। अरे यो के फैसला लेगी भाई साहब, इस बार फैसला मैंने कर लिया है, रंग रूप और पढ़ाई के घमंड में डूबी हुई औरत, मने ये औरत मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। बहुत घमंड है ना थारे को अपने इस रंग रूप, अपनी इस पढ़ाई। हाँ, दिन रात ताने सुनता हूं तारे, जानवर हूं, अनपढ़ हूं, गवार हूं, कुरूप हूं, अब मैं तेरे यो काला गजोदर, अरे अपनी जिंदगी से नहीं, इस तवेली से, इस खानदान से विदा करता हूं। चल निकल, निकल यहां से। अरे नहीं लल्ला। नहीं भाई साहब, नहीं, आज आप बीच में मत आना भाई साहब। अगर आज आपने मने रोका ना भाई साहब, तो आप मरा मरा मुंह देखोगे। बस कर। सकर की वजह से इतनी बड़ी हवेली में अकेली खड़ी है तू, आज कोई नहीं थारे साथ। मैं तने आज अपनी इस हवेली, अपनी इस जिंदगी से निकलता हूं। निकल, निकल। गुड़िया के पापा जा।
औरतों और बच्चों पर अपनी मर्दानगी निकालते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या बोलेगा तू? और कौन सा मर्द तारी जिंदगी में आ गया रे? कौन मरा था जो गजोदर के विरोध में खड़ा हो गया? बोल बोल बोल। मैंने कहा चल निकल, निकल यहां से। छोड़िए मुझे, जा रही हूं मैं ये हवेली छोड़ के, और गुड़िया भी मेरे साथ जाएगी। अरे चुप, अरे चुप। मेरी बेटी है वो। गुड़िया मेरी भी बेटी है और मैं इसे लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। चल गुड़िया। ए! गुड़िया मेरी भी बेटी है। मैं कैसे दहेज में लेके आई थी, कैसे? ए सुथरी! जी छोटे को? गुड़िया को अंदर लेके जा। जी छोटे को। गुड़िया, गुड़िया आजा, आजा। गुड़िया मुझे निकाल, निकाल। गुड़िया देख लेना थारी जगह, यो है थारी जगह। अब इस चौखट को पार करके खुद चली जाना, वरना धक्के मार के निकलवाऊंगा यहां से, समझ गई ना? ये क्या रही है? ये भाग यहां से, भाग! आज मैंने अपनी जिंदगी और अपनी इस हवेली के सबसे बड़े कचरे को फेंक दिया। अरुणा, अमेरिका में इतना बिजी रहती थी मैं, चौहानपुर में कुछ करने को ही नहीं। अरे ब्यूटी पार्लर तक नहीं, क्या करूं मैं पूरे दिन? आप एक मिनट पहुंचे। हेलो, हाँ शंभू काका। अच्छा ठीक है, हाँ मैं आती हूँ। क्या बात है अरुणा, कुछ परेशान लग रही हो? वो अजी शंभू काका का फोन था। आई एम सॉरी, मुझे अभी उदयपुर निकलना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, काम है तो जाना ही पड़ेगा। तुम कहो तो मैं भी चलूं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं करण को साथ लेकर चली जाती हूँ, आप बस पीछे से रणबीर का और हवेली का ख्याल रखिएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात, तुम आराम से जाओ, मैं सब ध्यान रख लूंगी। मैं सामान पैक कर लेती हूँ बुआ जी, आओ करण। संभल के जाना अरुणा। हाँ मैडम जी। जी जी पापा, अभी भी आपको एक आदमी देने के लिए बोला है। मुझे देने के लिए? तुम जानते हो उसे? ना मैडम जी, चौहानपुर में पहली बार देखा है उसे। अच्छा ठीक है, मेरे लिए कौन दे ऑफर?
जी रणवीर जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए दिन रात परेशान हो रही हूँ कि रणवीर से मेरी एक बार बात हो जाए, एक बार वो मुझसे मिल ले, और तुम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रणवीर, कभी नहीं। तुमने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि रणवीर तुम्हें आज तुमने साबित कर दिया रणवीर कि इस दुनिया का हर मर्द ऐसा ही होता है। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो रणवीर, तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। बाय बाय। दीदी सच में अगर नानी साहब हमें पकड़ लेती ना तो जान से ही मार जाती। कैसे टुक टुक डर रही थी हमारे पीछे। अरे हम है उदय, हमें इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई पकड़ लेगा। और जल्दी घर चल, मास्टर दादी से इंतजार कर रहे होंगे। ये तो वही बदतमीज लड़की है। रवि दीदी मेरे लिए भी रुको ना, आओ ना उदय। ओ तो ये जानकी के बच्चे हैं। ए बच्चों, इधर आओ इधर आओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम दोनों से कह रही हूं, इधर आओ। तुम ही से बोल रही हूं मैं, तुम दोनों आओ इधर। चलो बनो मुर्गा, चलो। रुको रुको रुको, बदतमीज लड़की तुम एक पाँव पे खड़ी हो। हाँ हाँ मुर्गा बनो, खड़ी हो जाए एक पैर पर। तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ। तो अरुणा ने तुम जैसे नमक हरामों को इस हवेली में पना दी हुई है। मार्केट चुप चुप, एक शब्द भी और नहीं, एक शब्द भी और नहीं। बहुत सुन चुकी मैं, जब से चौहानपुर आई हूं ना, ये लड़की क्या बकर 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 करके जबान चलाती है मुझसे। अरे जी में तो आता है कि इसकी चोटी पकड़ूं और चौहानपुर के बाहर फेंक दूं। मालकिन हम लोग अनपढ़, आप लोग पढ़े लिखे हो। अरे इन बच्चों से गलती हो गई, माफ कर दो। अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देवे है। हाँ मालकिन,
अगर इन बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। इन लोगों को माफ कर दीजिए। माफ कर दो? बिल्कुल नहीं। इन्होंने गलती की है तो उसकी सजा इन्हें मिलेगी, इन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। मालकिन, इन बच्चों की गलती के लिए अगर कोई सजा देनी है तो आप मन्ने सजा दे दो, पर इन मासूम बच्चों को। ये बच्चे मासूम हैं? अरे ये तो जहर की पुड़िया है, पुड़िया। इन जहर की पुड़ियाओं को जरूर सजा मिलेगी। और वो सजा इन्हें भोगनी पड़ेगी। कोई बीच में नहीं बोलेगा, और अगर आप लोगों ने बीच में बोलने की कोशिश की तो तुम दोनों को भी वही सजा मिलेगी जो इनको दी जा रही है। वैसे तो हमने कोई गलती ना की है, लेकिन अगर आपको लगे कि हमने कोई गलती की है तो आप जो चाहे हमें वो सजा दे सके हो। हम लोग आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेकिन हमारी मासा और दादी साहब को कुछ मत बोलो। देखा, फिर चलाई ना जबान, कल भर लंबी जबान है इसकी। बड़ा दर्द हो रहा है ना अपनी मासा के लिए और दादी सा के लिए। तो ठीक है, सजा देती हूं तुम्हें, यहीं पर तुम दोनों मुर्गा बनो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा तुम्हें समझ भी नहीं आया, हिंदी में ही बोला है। चलो बनो मुर्गा, चलो। नाटक चलो चलो जल्दी करो। रुको रुको रुको, बदतमीज लड़की, तुम एक पांव पे खड़ी हो। हाँ हाँ मुर्गा बनो। अरे तुम खड़ी हो, खड़ी हो। ज्यादा नाटक मत कर, खड़ी हो जाए एक पैर पर। चल जानकी। अरे इनके तेवर देखो। औरत ना है, औरत के नाम पे कलंक है थारी बुआ। न मैं पूछूं ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था बच्चों ने जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। उन्हें सजा देने की क्या जरूरत थी? सजा देनी थी तो मन्ने देती, चढ़ा देती सूली पे।
मासा, चलिए खाना खा लीजिए। ना ना, मरे छोरा छोरी उस राक्षसनी के आगे मुर्गा बने बैठे हैं, मने भूख लगेगी के। अन्न करने वाला मारे गले से न उतरेगा। मासा, अरे प्रगति और उदय ने गलती की है, इसीलिए तो बुआ जी ने उन्हें सजा दी है, मुर्गा बना दिया है। लेकिन चिंता ना करो, जल्दी वो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और माफ कर देंगी। अब औरत हैं, इतनी निर्दयी भी ना है। औरत ना है, औरत के नाम पे कलंक है थारी बुआ। न मैं पूछूं ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था बच्चों ने जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। उन्हें सजा देने की क्या जरूरत थी? सजा देनी थी तो मन्ने देती, चढ़ा देती सूली पे। पर छोटे छोटे बच्चों ने भूख से तड़पाने से कौन सा तमगा मिल जाएगा उसने? मासा, आप चिंता मत करो ना, मन्ने लागे बच्चे आते ही होंगे। ना आए तो याद रखना, इस खूसट बुढ़िया ने मैं छोड़ूंगी ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चौहानपुर का रास्ता भूल जाएगी, फिर चाहे जो को भी हो। अरुणा जी को पता लग जावे तो बुरा मानेगी ना, रणवीर को बुरा लगेगा कोई बात ना। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, निकाल देवेंगे ना तो निकाल दें, चले जावेंगे। अरे कम से कम अपने बच्चों का दुख तो बर्दाश्त ना करना पड़ेगा। सोनिया अपनी आंखें खोलो सोनिया।